अरे वाह, आपका घर तो बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली वो माँ को गांव के घर बहुत पसंद है। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो, ये घर भी तो तुम्हारा ही। कहने से क्या होता है, नाम कर दो तुम्हारे। इसे उपहार समझिए, ये घर मैं आपके नाम करूंगा, उसके बाद ही शादी होगी, ठीक है? कर तो नहीं जाओगे? हम वचन तोड़ने वालों में से नहीं। भैया जरा इधर आएंगे। एक मिनट। कार्तिक बेटा, तुम्हें इस पिंजरे जैसे घर की क्या जरूरत है, तुम्हारे पास तो बहुत बड़ा बंगला है। अब कहानी में नया मोड़ आएगा, देखते जाओ। ये आप क्या कर रहे हैं, आपने पूरी जायदाद सरस्वती के नाम पर कर दी थी, अब उससे वापस कैसे लेंगे? एक काम करते हैं, हम अपने गांव की एक जमीन उन्हें दे देंगे, लेकिन ये घर हम उन्हें नहीं दे सकते, ऐसा जाकर कह दो उनसे। क्या बात है, परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम? अरे ऐसा कुछ नहीं, हम तो बस वैसे ही। हाँ वो बस घर की बातें चल रही हैं। ये घर भाड़े का तो नहीं है? नहीं, नहीं। घर तो हमारा ही है, कागजात किसी और के पास है और वो विदेश में रहते हैं, उसे नहीं बुला सकते। अब ये क्या नया नाटक है, आपने कहा पहले रजिस्ट्रेशन होगा फिर शादी होगी, तो ये सब क्या है? कार्तिक ये क्या खिचड़ी पक रही है, अगर घर नहीं दे रहे हैं तो शादी रोक देते हैं। देखा, पिताजी नाराज हो गए, अब क्या होगा? अरे हमारे गांव में बहुत उपजाऊ जमीन है, वो आपको दे देंगे, ये समझ लो कि जमीन सोना उगलेगी। जमीन से मेरी माँ को क्या फायदा, उनके नाम पे पहले ही बहुत प्रॉपर्टी है, बस गांव में घर नहीं था इसीलिए वो मांग लिया। जरा देखो इस घर को, ये कितना पुराना हो गया है, ये भला कोई रहने की जगह है? देखिए अंकल, आप मेरी माँ को नहीं जानते, दो बार उन्हें दिल का दौरा पड़ चुका है। माँ ने कुत्ते का पिल्ला मांगा, पिताजी बिल्ली लेकर आए, मेरी माँ को उससे बहुत दुख हुआ, तब पहला दौरा पड़ा। क्या बिल्ली को? नहीं मेरी माँ को। एक बार माँ ने हीरे का हार मांगा था, पिताजी मोती का ले आए, इस बात से भी माँ को बहुत दुख हुआ, उस दिन माँ को दूसरा दौरा पड़ा था। जरा एक बार देखिए उनकी तरफ, देखिए घर के साथ सेल्फीज ले रही है। मेरी माँ को जो चीज पसंद आ जाए वो उसे दिल से अपना लेती है, वो चीज ना मिले तो उन्हें दिल का दौरा पड़ जाता है। झूठ बोल के नाटक करे? अजीब आदमी है, कह रहा हूँ दिल का दौरा पड़ेगा तो अब नाटक की बात। क्या कहा था आपने? झूठ, उसके बाद नाटक। अंकल जी एक आइडिया है। कैसा आइडिया? एक और नाटक। क्या मतलब? अरे जैसे हमने पहले समझाता हूँ, जैसे हम अपनी बीवियों को यहाँ पर लेकर आए, उसी तरह सरस्वती को यहाँ लाएंगे, दस्तखत करवा के भेज देंगे। समझदार हो, उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता और मैं नहीं चाहता मेरी माँ को एक और दिल का दौरा। अरे मेरी बात तो समझो। भैया मान जाइए, इसकी माँ को कुछ हो गया तो शादी नहीं होगी। वैसे मैं चाहता तो नहीं पर तुम्हारे लिए मान जाता हूँ। थैंक यू अंकल मेरी बात रखने के लिए। सुनो। हाँ भैया। सरस्वती के बेटे को बुला के लाओ। मुझे नींद में से क्यों उठाया? हमारे माँ बाप को फोन करो। जाओ। कौन से माँ बाप को? कितने माँ बाप है तेरे? तुम्हारी समझ वाले माँ बाप या मेरी समझ वाले माँ बाप? जो माँ बाप है। अंकल जी ये हमारे लिए काम का आदमी है, जरा आराम से। हाँ। जरा मेरी माँ को फोन कीजिए। ये तुम्हारी माँ को क्यों फोन करेगा? पिछली बार मेरे पास बैलेंस नहीं था तो इनका फोन इस्तेमाल किया था, अभी भी नहीं है, फोन लगाइए ना। ये लीजिए। हेलो कौन बोल रहा है? हेलो उपेंद्र बोल रहा हूँ। बापू आप? हाँ मैं ही बोल रहा हूँ। सुनो दिव्या की शादी पक्की हुई है, तुम अपने पति को लेकर आ जाओ। हम जरूर आएंगे। सुनो सरस्वती आ तो रही है लेकिन उसके साथ ज्यादा घुलने मिलने की कोशिश मत करना। ये मत भूलना कि ये सब हम सिर्फ एक नाटक के लिए कर रहे हैं। जैसे ही हमारा काम हो जाएगा हम उन सबको वापस भेज देंगे, समझ गए? आपने जो कह दिया वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। कार्तिक क्या? मेरे साथ आओ। क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है कार्तिक? ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है क्या? मेरी माँ और चाचियाँ ये जानकर बहुत खुश हैं कि मेरे पापा और चाचाओं ने उन्हें अपना लिया है। जब उन्हें पता चलेगा ये नाटक है तो वो जीते जी मर जाएंगी। कार्तिक मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती, इस झूठ के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ। अगर नाटक नहीं करेंगे तो इन्हें साथ कैसे लाएंगे? इतने सालों बाद ये सब एक साथ आए, मैं इस परिवार को खुश देखना चाहता हूँ, और अगर उसके लिए झूठ भी बोलना पड़े तो मुझे नहीं लगता वो गलत है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, विश्वास करो। भैया भैया उस लड़के का नाम कार्तिक है और ठाकुर अपनी बेटी की शादी उससे करवा रहा है। मैं यहाँ मातम मना रहा हूँ और वो वहाँ शादी की शहनाई बजा रहा है। ये शादी किसी भी हाल में नहीं होगी, समझे? Thank you.
हम सब बिल्कुल ठीक है, आओ। अरे अंकल थोड़ा मुस्कुराइए, नाटक है नाटक। ठीक हूँ, कहो सफर कैसा रहा? अच्छा, बहुत अच्छा रहा। थक गए होगे, अंदर चलो। अनुष्का, ये यहाँ पे यहाँ पे अचानक कैसे आ गई? लगता है मेरे दिन भर गए। हम दोनों के ही दिन भर गए। अब क्या करें? कुछ तो करना ही होगा, वरना कहे काम से। हाय बेबी, यहाँ इंडिया में मुझे देख के तुम सरप्राइज हो गए ना? शादी गांव में कर रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं बताया? जगह कितनी अच्छी है, इतने दिनों में एक फोन भी नहीं किया तुमने मुझे। ये लड़की कौन है? मेरी होने वाली बहू है। हाँ हूँ, और मेरा नाम है अनुष्का, है ना बेबी? और कोई नहीं मिली? फिर नाम है, गर्दन क्यों हिला रहे हो? कसरत कर रहा हूँ। आंटी, क्या ये सब इस घर के नौकर हैं? कपड़े तो अच्छे पहने हैं। अनुष्का, ये घर के बड़े हैं, इनके पाँव नहीं छुओगी? थोड़ी सी मॉडर्न टाइप की है। नाइस टू मीट यू। हमारी शादी के लिए घर अच्छे से सजाना। सब अंदर चलो, तुम भी बहुत दूर से आई हो, आराम कर लो। तुम तो मुझ पे कहर ढा रही हो। मैंने कार्तिक को लाने के लिए भेजा था, वेकेशन पर नहीं, यू इडियट। दांत दिखा के हंस क्या रहे हो तुम? तुम एक मिनट अंदर आओ, तुम्हें दिखाती हूँ। बाय कार्तिक। बाय कार्तिक। अकेले में अंदर बुलाया है, निकल पड़ी। जीती रहो। मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। इतने सालों बाद यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पापा, अनुष्का को यहाँ क्यों ले आए? वो बात ये है ना बेटा, बापू ने फोन किया था। प्लान कामयाब हुआ, कार्तिक शादी कर रहा है। अच्छा, आप टिकट बुक करिए, मैं पैकिंग करती हूँ। कार्तिक शादी कर रहा है मतलब? हम चाहते हैं कि कार्तिक की शादी विदेश में नहीं बल्कि गांव में होनी चाहिए, इसलिए हम गांव जा रहे हैं। तो हम इंडिया, अगर मैं यहाँ हूँ तो शादी किससे करेगा? ये क्या कह रही हो, तुम्हारी भी तो टिकट बुक करेंगे। तुम्हें ही फोन लगा रहे थे। गांव में शादी, मुझे तो ये बात सुनकर ही एक्साइटमेंट हो रही है। अंकल, ये आप कार्तिक को मत बताना, मैं उसे सरप्राइज दूंगी। अभी एक और मुसीबत को झेलना होगा। ये कैसी है? वैसे मुझ पे कौन सा रंग जचेगा? लाल रंग, वो भी आपके गाल पे। कोई रंग नहीं चाहिए, मैं ऐसे ही ठीक हूँ यार। ये लीजिए भाभी, आप अच्छी लगेंगी। वो तो ऐसे ही कह रहा था मैं। चलो दुल्हन को बुलाओ, आके साड़ी पसंद कर ले। अरे बाप रे, ये दोनों एक साथ? फुलझड़ी है वो। अरे पहले जाके अनुष्का को संभाल, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारी भी शादी नहीं होगी। चल जा। मैडम जी रुकिए। क्यों, क्या हुआ? यहाँ के संस्कारों के हिसाब से आपके कपड़े कुछ ठीक नहीं है मैडम, आप पूरे कपड़े पहन के आइए ना। मैं ये वाली साड़ी कैसी लगी? सच कह रही हूँ। जरा दिखाओ, ये क्या है? दुल्हन के लिए ये साड़ी? मेरी नौकरानी भी ऐसी साड़ी नहीं पहनेगी। मुझे यही पसंद है। तुम्हारी पसंद पूछी भी किसने? ये मुझे नहीं पसंद। दुल्हन ऐसी चीप साड़ी पहनेगी? कितने की है ये? 50,000 की है। क्या? दुल्हन की साड़ी 10 लाख से कम होनी नहीं चाहिए। सिर्फ साड़ी नहीं, हर चीज महंगी होनी चाहिए। आई वॉन्ट अ ग्रैंड वेडिंग। गुस्से में भी ये पटाखा लगती है रे। ऐसे ही घूरते रहे तो आंखें बाहर निकल आएंगी। सही कहा, मैं आंखों पे चश्मा लगा लेता हूँ। तुम दूल्हे हो ना कार्तिक, तो तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? सिर्फ खड़े खड़े तमाशा देखना है। यहाँ शादी करने के लिए कितनी एक्साइटेड टीम है, पर यहाँ आके देखा तो शादी के घर से ज्यादा ये कोई चिड़िया घर लग रहा है। पता नहीं मैं यहाँ आई ही क्यों। मैं जो चाहती हूँ वैसा ही होना चाहिए। छोड़ो, ये पावली कम है। ये होती कौन है मेरी बेटी की शादी में दखलंदाजी करने वाली? ए, होने वाली पत्नी को काबू में रख। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, शादी के बाद मैं उसे काबू में रखूंगा। अरे तुम्हारी पत्नी को ये क्यों काबू में रखेगा? मर गया। बुजुर्गों के पास तजुर्बा ज्यादा होता है ना, काबू में आ जाएगी शायद। अब बकता, चल निकल। क्या बात कर रहा है? अरे ये
ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप छोटी छोटी बातों में भड़कते क्यों हैं? मैं तो ऐसी चीजों को नजरअंदाज करता हूँ। मेरे माँ बाप डांटते तो फर्क पड़ता, ये तो मेहमान है, छोड़िए। वैसे ये साड़ी अच्छी तो है, क्यों? नहीं, वो लड़की सही कह रही है। पता है मेरे घर की नौकरानियाँ ऐसी साड़ियाँ पहनकर सब्जी खरीदने जाती हैं। पोछा लगाने के काम आएगी ये। सुनो, इस साड़ी को कल बाई को दे देना, वो इससे पोछा लगाएगी। पापा ये क्या कर रहे हैं? अगर मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा तो? आई, मैं भूल गया बेटा। और सुनो, ये तो हम बाद में देखेंगे। घर का क्या हुआ? दो दिन बाद शादी है, रजिस्ट्रेशन कब होगा? अगर ऐसा नहीं हुआ तो शादी कैंसिल, ऐलान करता हूँ मैं।